दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली कैपिटल्स के फुल स्क्वाड के बारे में, जो कि फरवरी 2022 में होने वाले आईपीएल के मेगा ऑक्शन के बाद तैयार किया गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली ने अपने किन पुराने खिलाड़ियों को बाहर किया है और किन किन नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है और उन सभी की सैलरी कितनी है। दोस्तों, दिल्ली ने अपने 4 पुराने खिलाड़ियों को रिटेन किया है और 20 नए खिलाड़ी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से खरीदे हैं। और फिलहाल दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के फुल स्क्वाड में 24 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें 7 खिलाड़ी विदेशी हैं और 17 खिलाड़ी भारतीय हैं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के हमारे इस स्क्वाड में सबसे पहले खिलाड़ी का नाम है पृथ्वी शॉ, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 7,50,00,000 में रिटेन किया है। इसके बाद है दोस्तों मनदीप सिंह, और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 1,10,00,000 में खरीदा है। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों यश धूत, जो कि एक बल्लेबाज हैं और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 50,00,000 में खरीदा है। इसके बाद है दोस्तों रोमन पोवेल, वेस्ट इंडियन बैट्समैन, और दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें 2,80,00,000 में खरीदा है। अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर सरफराज खान, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 20,00,000 में खरीदा है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर अश्विन हैबर, जो कि एक भारतीय बल्लेबाज हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 20,00,000 में खरीदा है। इसके बाद दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डेविड वार्नर, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 6,25,00,000 में खरीदा है। इसके बाद अगला नाम है दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी रहने वाले हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 16,00,000 रुपये में रिटेन किया है। इसके बाद अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर टिम साइफर्ट, न्यूजीलैंड के एक विकेट कीपर बैट्समैन, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 50,00,000 में खरीदा है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर श्रीकर भारत, ये एक इंडियन बैट्समैन और विकेट कीपर हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 2,00,00,000 में खरीदा है। अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर एनरिक नोकिया, जो कि साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाज हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 6,50,00,000 में रिटेन किया है। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर खलील अहमद, एक भारतीय तेज गेंदबाज, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 5,25,00,000 में खरीदा है। इसके बाद अगला नाम है यहाँ पर लुंगी एनगिडी, जो कि एक साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाज हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें 50,00,000 में खरीदा है। अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों यहां पर चेतन सकरिया, एक भारतीय तेज गेंदबाज, और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 4,30,00,000 में खरीदा है। अगला नाम है यहां पर दोस्तों प्रवीण दुबे, एक भारतीय गेंदबाज, और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 50,00,000 में खरीदा है। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों कमलेश नागरकोटी, एक भारतीय तेज गेंदबाज, और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 1,10,00,000 में खरीदा है। अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों यहां पर कुलदीप यादव, भारतीय स्पिन गेंदबाज, और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 2,00,00,000 रुपये में खरीदा है। इसके बाद है दोस्तों यहां पर शार्दुल ठाकुर, एक भारतीय तेज गेंदबाज, और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 10,75,00,000 में खरीदा है। अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान, जो कि एक बांग्लादेशी गेंदबाज हैं और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 2,00,00,000 रुपये में खरीदा है। इसके बाद अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल, जो कि एक भारतीय ऑलराउंडर हैं और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 9,00,00,000 रुपये में रिटेन किया है। अगला नाम है दोस्तों यहाँ पर ललित यादव, और ये भी एक भारतीय ऑलराउंडर हैं, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 65,00,000 में खरीदा है। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों विकी ऑस्टवल, और ये भी एक भारतीय ऑलराउंडर हैं, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 20,00,000 रुपये में खरीदा है। इसके बाद दोस्तों एक और भारतीय ऑलराउंडर हैं यहाँ पर रिपल पटेल, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 20,00,000 में खरीदा है। दिल्ली कैपिटल्स के फुल स्क्वाड में दोस्तों यहां पर आखिरी नाम है मिचेल मार्श, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 6,50,00,000 में खरीदा है। तो दोस्तों ये हैं वो 24 खिलाड़ी जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 के टूर्नामेंट के लिए अपने फुल स्क्वाड में शामिल किया है। दोस्तों, इनमें से किन खिलाड़ियों को आप पसंद करते हैं या फिर आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तब भी आप मुझे लिख सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। शुक्रिया।